सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के सारे एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्लास 11th में मैथ्स लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो वीडियोस मेरे अपलोड हो तुरंत आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, जिससे क्या होगा उन तक भी ये सारे वीडियोस पहुंचेंगे तो उन लोग भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो इससे जो है उनका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस वर्ड क्या होता है इसको पहले प्यार से हम लोग समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग किसी दूसरे टर्म्स पर जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग को स्कूल में भी जब प्रेयर होता होगा तो बोला जाता है कि सीक्वेंस वाइज खड़े हो जाओ या हाइट वाइज खड़े हो जाओ, या जब आप कॉपी चेक कराने जाते हो या एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में आपको बोला जाता है कि आपके रोल नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना है, बैठना है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस वर्ड है आपने बहुत बार जो है सुना होगा। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अरेंज इन प्रॉपर मैनर या प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर और मैनर। ठीक है, मतलब क्या है, समझ में आया आपको, कोई भी चीज अगर प्रॉपर ऑर्डर में या मैनर में अगर अरेंज्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे आपकी काउंटिंग नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, और भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे हाइट सबसे पहले छोटा हाइट, फिर बड़ा हाइट, फिर बड़ा हाइट, फिर बड़ा हाइट, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस ही तो है। ठीक है, तो सीक्वेंस मतलब प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना। उसके बाद जो दूसरा टर्म्स आपको समझना है, सीक्वेंस के बाद दूसरा टर्म्स होता है सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो सीरीज क्या होता है, जब आप सीक्वेंस के बीच में प्लस साइन लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। जैसे अभी मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, अगर इसी को मैं ऐसा लिख देता हूं 1+2+3+4+5 ऐसे छोड़ देता हूं, तो जब प्लस का साइन आ जाता है या माइनस का साइन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज के बाद अगला जो टर्म्स हमको समझना है वो क्या है, प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो प्रोग्रेशन जो है क्या है, एक सीरीज होता है, और सीरीज में क्या चीज होना चाहिए, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन है वो बाकी अदर कॉन्सिक्यूटिव के बीच में जो है होना चाहिए। जैसे फर्स्ट के जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है 1 और 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। अगले जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म है इनके बीच का भी डिफरेंस है 1, 2 और 3 के बीच का भी डिफरेंस है 1। तो सीरीज क्या होता, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन इज अ सीरीज, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है या उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच में 1 का डिफरेंस है तो अगले में भी होना चाहिए, फिर अगले में भी होना चाहिए, फिर अगले में भी होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमको समझना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सीरीज जिसमें किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन जो है सेम होना चाहिए। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज सेम। देखो प्रोग्रेशन के लिए मैंने वर्ड यूज किया था कि किसी भी दो नंबर के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, अदर कॉन्सिक्यूटिव के बीच के रिलेशन के इक्वल होना चाहिए। मतलब पहले और दूसरे नंबर में जो रिलेशन है दूसरे और तीसरे में भी होना चाहिए, तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो रिलेशन का नाम बदल कर क्या हो जाता है, डिफरेंस। मतलब किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे 2+4+6+8 ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, इनके बीच का जो डिफरेंस है, देखो फर्स्ट दो के बीच का डिफरेंस कितना है, 2,
इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को आप उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर मैं इसको सिंपली ऐसा लिखता हूं 1, 3, 6, 7, 8, तो यह सिर्फ क्या कहलाएगा, एक तरीके का आपका सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, इनके किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच में देखो कोई रिलेशन जो है सेम नहीं है। जैसे फर्स्ट और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का, फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का। ठीक है, तो यहां पर किसी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, तो इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन क्या है, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव, याद रखना कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, हमने इसका समझ लिया। अब इसमें हमको एक और चीज समझना है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अब देखो अगर मैं यहां पर एक एक आपके लिए लिखता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूं, सपोज दैट एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है मैंने लिखा 3, 6, 9, 12 डेस डेस डेस, तो ये जो पहला नंबर है ना इसको बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोला जाता है सेकेंड एलिमेंट, इसको बोला जाता है थर्ड एलिमेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, देखो कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है ए वन, दूसरे को बोला जाता है ए टू, तीसरे को बोला जाता है ए थ्री, ए फोर। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका क्या कहलाएगा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से जब आप थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में ले लोगे तो क्या कहलाएगा सेकेंड कॉमन डिफरेंस, फिर जब आप फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा थर्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं 3, 6, 9, 12, 15, ये आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है ये, सेकेंड टर्म कौन सा है ये, थर्ड टर्म कौन सा है ये, फोर्थ टर्म कौन सा है ये, फिफ्थ टर्म कौन सा है ये। तो अब देखो अगर मैं फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना चाहता हूं D1, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म कितना है 6, फर्स्ट टर्म कितना है 3, माइनस किए कितना है 3। अब हमको निकालना है सेकेंड कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 - 6 मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद आप तीसरा अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आपको फोर्थ पे से क्या करना पड़ेगा थर्ड को माइनस करेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा, मतलब 12 में से आपको 9 को करना पड़ेगा, मतलब 3। तो यहां पर देखो जो फर्स्ट डिफरेंस था, जो सेकेंड डिफरेंस था और थर्ड डिफरेंस था, सब आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ऐसे अगर आप D4 भी निकालोगे तब भी वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस तरीके के रिलेशन आपके क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। अब जैसे ये सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है 3, 6, 9, 12, अगर मैं बोलूंगा इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाओ तो 10वें नंबर का टर्म कौन सा होगा, तो आप काउंट करके बता सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां करके बता सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी में बोलूं कि इसका 100th नंबर का टर्म कौन सा होगा, अगर इस प्रोग्रेशन में आगे जाते जाएं तो 100th नंबर का टर्म कौन सा होगा, 200 नंबर का टर्म कौन सा होगा, 300 नंबर का टर्म कौन सा होगा, ये चीजें पता करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ, अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोला जाता है एपी करके। ठीक है, एपी सीरीज भी बोल देते हैं, एपी भी बोलते हैं। तो देखो किसी भी सीक्वेंस का या किसी भी प्रोग्रेशन का या किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब आपको nth टर्म चाहिए होता है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर एक एक टर्म क्या है मैं समझा रहा हूं, ए एन मतलब तो जो नंबर का टर्म आपको चाहिए, जैसे अगर आपको 20 नंबर का चाहिए तो एन के जगह आप क्या करोगे 20। ठीक है, अगर आपको 30 नंबर का चाहिए तो एन के जगह 30। ठीक है, ए क्या होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, क्या होता है ये फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। एन क्या होता है, कौन से नंबर का एलिमेंट आप चाहते हो वो है, और डी क्या होता है, डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अब जैसे इसी सीक्वेंस को हम लोग लेते हैं, ये वाला जो मैंने लिखा था, चलो मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूं अच्छे से, और एक क्वेश्चन भी इसी से हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस है 3 प्लस 6
प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस डेज 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 करके हमने छोड़ दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सीक्वेंस में आपको 100th नंबर का टर्म कौन सा होगा फाइंड करना है, 100th नंबर आपको क्या करना है फाइंड करना है। इस सीक्वेंस में जब आगे जाते जाएंगे ना तो वो कौन सा नंबर होगा जो 100th प्लेस पर आएगा। सो देखो कौन सा निकालना है आपको 100th, ठीक है। तो n की वैल्यू आपके पास यहां कितनी हो जाएगी 100। मैंने फॉर्मूला बताया था nth टर्म का फॉर्मूला, मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आपको जितने नंबर का टर्म पता करना होगा आप n के जगह वो वाली वैल्यू रख दोगे। तो अभी आपको कौन सी वैल्यू पता करनी है 100, तो n के जगह रख दो 100। फिर इस फॉर्मूले में चाहिए फर्स्ट टर्म a, तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है जो सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को ले जाओ और उसमें से माइनस कर लो तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3। कॉमन डिफरेंस कितना आया 3 का, ठीक है। आप किसी भी दो टर्म को ले लो, जैसे इन दोनों को लोगे तब भी कॉमन डिफरेंस 3 होगा, इसको भी ले लो तब भी 3 होगा, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको 3। अब हम लोग निकालते हैं 100th टर्म, तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हमको 100th नंबर का टर्म चाहिए तो यहां लिखेंगे a 100 और इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a a के जगह कितना है 3, n के जगह कितना है 100, 100 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितने का है 3, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 100 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 और इंटू 3, सो 99 इंटू 3। जब आप 99 इंटू 3 करोगे तो ये आपको कितना देगा 297, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कौन सा मिलेगा आपको 300 जो है आपको मिलेगा। तो इसका 100th नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा 300 जो है होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसके बाद सीधा हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जो है बढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राई दिस करके फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन बिलो। अच्छा, जब आपको कोई एक टर्म आपको पता चल गया, जैसे आपको मान लेते हैं किसी सीक्वेंस का या सीरीज का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप कितने भी टर्म्स निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बोलूंगा यहां पर, मान लो मैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द फर्स्ट, मैं यहां पर क्वेश्चन देता हूं फाइंड 5 नंबर इन एपी, एपी में आपको 5 नंबर फाइंड करना है इफ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। तो देखो जब आपको क्या करना हो, 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर अगर निकालने हैं एपी में, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकेंड टर्म क्या होगा, देखो तो जो पहला वाला टर्म रहेगा ना उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। जब आपको थर्ड टर्म निकालना हो तो आप यहां पर क्या करोगे a प्लस 2d, जब आपको फोर्थ टर्म निकालना हो तो आप क्या करोगे a प्लस 3d। अब ये आया कहां से, तो यही वाला फॉर्मूला a n इज इक्वल टू जो भी हमने पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो आप n के जगह 2 रखोगे कि नहीं, तो यहां पर a 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये हो गया a प्लस डी। तो आपको समझ में आया, जिस नंबर का टर्म आपको निकालना है उसमें से एक कम करके d के साथ मल्टीप्लाई करके आपको a के साथ क्या कर देना है ऐड। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा कि फाइंड 199 टर्म, अब आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे, a तो सब में रहेगा, अब 199 में एक कम करो कितना हो जाएगा 198 और यहां d लिख दो। अब जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं a 512 निकालो, ठीक है, मतलब 512 की वैल्यू निकाले किसी सीरीज में किसी सीक्वेंस में जो नंबर है 512 नंबर का जो टर्म होगा कौन सा होगा अगर फाइंड करो बोलूंगा, तो आप इसमें क्या करोगे a को तो फिक्स करोगे, फिर 512 में से एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 511 और यहां पर d लगा दो। तो इसी तरीके हम लोग यहां भी करेंगे, देखो a यहां पर कितना है, यहां पर है इस पहले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू है 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को लो और उसमें से माइनस कर दो, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपको कितने का मिलेगा 6 का मिलेगा, 11 में से 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6। अब ये कौन से नंबर का टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक तो तरीका ये है कि आप लॉजिकली इसमें 6 ऐड करते जाओ तब आपको मिल जाएगा, या आप फॉर्मूला यूज करो, जैसे फोर्थ नंबर का टर्म पता है अगला टर्म कौन सा होगा फिफ्थ टर्म होगा, तो फिफ्थ टर्म मतलब a5, और a5 का फॉर्मूला क्या होगा a तो रहेगा और फिफ्थ नंबर निकालना तो उसमें से एक कम कर दो तो 4d। अब देखो a के जगह 5, 4 के जगह 4, d के जगह ये, तो कितना हो जाएगा 5,
6 4 जा 24, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और लॉजिकली इसमें 6 ऐड करते जाओ, ठीक है, पुराने वाले नंबर में से 6 ऐड करते जाओगे तो आपको आगे के नंबर मिलेंगे। तो आइदर आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला आप या फिर यूज कर सकते हो अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो ये यूज कर सकते हो। जैसे इनमें कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म यहाँ कितना है माइनस 8, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस 11, तो कॉमन डिफरेंस कितने का बना, कॉमन डिफरेंस यहां पर बना प्लस 3 का, मतलब इसमें आपको प्लस 3 क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, मतलब पिछले वाले वैल्यूज में। या तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो a प्लस 4d, ठीक है। तो जब इसमें प्लस 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1, फिर यहां आ जाएगा 4, फिर यहां आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखो माइनस 2 में प्लस 3 ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा ना। अब यहां पर देखो अगले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो सेकेंड टर्म कौन सा है 7/9, फर्स्ट टर्म कौन सा है 4/9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आएगा 9, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 1 जा 3 3 जा, मतलब 1/3 जो है कॉमन डिफरेंस है। अब 1/3 ऐड करते जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर, या फिर आप 9 ही रहने दो, 4/9 ही रहने दो, ठीक है, यहाँ सॉरी 4/9 बोलता हूँ, 3/9 ही रहने दो, क्योंकि 3/9 जब रखोगे तो इसका भी डिनोमिनेटर 9 हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 9 हो जाएगा, तो अगला वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/9, फिर अगला वाला हो जाएगा 19/9, फिर अगला वाला हो जाएगा 22/9। तो या आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो आप उतना नंबर पिछले वाले वैल्यूज में ऐड करते जाओ, जिसमें इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 0, सेकंड टर्म कितना है 9, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 9 - 0 मतलब 9। अब आप 27 में जब आप 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर 36 में जब 9 ऐड करोगे तो हो जाएगा 45, फिर इसमें 9 ऐड करोगे तो 54। तो पीछे वाली वैल्यूज में से आपको 9 क्या करते जानी है, ऐड करते जानी, मतलब कॉमन डिफरेंस जो भी रहेगा उसको ऐड करते आपको जाना है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो फर्स्ट को एक्सरसाइज देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीजन, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको क्या करना है, रीजन जो है बताना है। देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका क्या बन जाएगा, प्लस 3/2। क्या इसमें फर्स्ट टर्म 3/2 है, नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये 3/2 है, यस, ये हो सकता है और ये हो सकता है, क्योंकि 3/2 यहां है, यहां माइनस 3/2 है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन में देखा फर्स्ट टर्म 3/2 दिया ही नहीं है और इसमें माइनस 3/2 दिया है, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन हट गया, डी वाला ऑप्शन हट गया। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, एक तो बचा है बी और एक तो बचा है सी। अब इसमें क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है 1/2, फर्स्ट टर्म कितना है 3/2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2। अब 1 में से जब आपके पास यहां पर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2/2, मतलब -1, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी, क्योंकि इसमें तो कॉमन डिफरेंस -1/2 दिया जो कि हो ही नहीं सकता, तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। देखो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितनी है, -2 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो -2, कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है, then fourth term। अब देखो अगर आपको fourth term निकालना है तो आप याद करो an वाला formula क्या था, a plus n minus 1 into d। अब इसमें आपको fourth term चाहिए तो n के जगह रख दो 4, तो ये हो जाएगा a4, और a4 का formula क्या होगा, a plus 4 minus 1 मतलब 3d। अब देखो a की value कितनी है -2, 3 के जगह 3, common difference कितने का है -2, तो -2 - 6 दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे -8। तो इसमें से देखो -8, ये तो 0 दिया है, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये वाला -8 होगा, ठीक है। वापिस से पिछले एक्सरसाइज जैसा प्रॉब्लम इसमें भी है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, -8 होगा और डी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, 15th टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो आपको जो टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, a15 आपको चाहिए, तो मैंने बताया था a तो रहेगा ही, 15 में से एक कम करो कितना होगा 14, इसको d के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना है
सेवन, तो ए के जगह रख दो सेवन। कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो 13 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो यहां पर हो जाएगा 14 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 84, तो 84 और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या, देखो फर्स्ट टर्म इज 4, मतलब ए की वैल्यू है 4, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है माइनस 4, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन nth टर्म बोला है भैया, अभी nth टर्म, तो nth टर्म मतलब ए एन, तो ए एन के जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब ए के जगह दिया है 4 तो 4 रख देंगे, फिर n माइनस 1, डिफरेंस के जगह दिया है माइनस 4, अब क्या करते हैं माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू एन कितना हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 4n, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, 8 माइनस 4n, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अब देखो 70, अच्छा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है दूसरा है, देखो 78 इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी तक हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे, ठीक है, कि इतने नंबर का टर्म्स बताओ, फोर्थ नंबर का टर्म्स बताओ, 15th नंबर का टर्म्स बताओ, ऐसा करते थे। अभी बोल रहा है कि इस सीरीज को जब आप आगे बढ़ाते जाते हो तो इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम है 78, तो बताओ ये जो 78 है ये कौन से नंबर का टर्म होगा, क्या 20वें नंबर का टर्म होगा, 25वें नंबर का टर्म होगा, कितने नंबर का टर्म होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, आप ये चीज अज्यूम कर लेना कि जो 78 है उसको अज्यूम कर लेना कि वो किसकी वैल्यू है, nth टर्म की वैल्यू है, ठीक है। सो लेट nth टर्म इज 78, मतलब an, an इज इक्वल टू कितना है 78 है। अब देखो an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 है। अब देखो a के जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3 है, a के जगह है 3, कॉमन डिफरेंस कितना का मिलेगा, 8 में से 3 को माइनस कर दो आपको कितना मिलेगा 5 का, इस वैल्यू को यहां पुट करो, सो a के जगह आपके वैसे 3, यहां आ जाएगा n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपके पास है 5, ये हो जाएगा 78। सबसे पहले तो ये 3 प्लस इधर जाके माइनस होगा, तो यहां मिलेगा हमको n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू यहां मिलेगा 75 मिलेगा, ठीक है। 78 में से ये इधर जाके माइनस होगा ना, ये वाला प्लस जो इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 75 बचेगा, ठीक है। फिर ये जो 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो 75 अपॉन में 5, तो हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 15, तो यहां से n की वैल्यू, ये माइनस 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, सो n इज इक्वल टू 16 जो है होगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 16th नंबर का टर्म होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म द प्रोग्रेशन गिव रीजन, इसमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है फॉर्म कर रहा है। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी हो सकता है जब किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो जब हम लोग इसमें फर्स्ट दो टर्म का कॉमन डिफरेंस लेंगे, मतलब जब d1 निकालेंगे तो d1 कितना आएगा, सेकंड टर्म है a स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं d2, d2 मतलब थर्ड टर्म कौन सा है a की पावर 3 और सेकंड टर्म कौन सा है a स्क्वायर, क्या दोनों की वैल्यू आपको सेम दिख रही, आंसर है नहीं। तो यहां पर d1 और d2 इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई ये वाला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो रीजन में क्या लिखोगे, कि रीजन में लिखोगे हियर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस एंड सेकंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो सारे कॉमन डिफरेंस आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाके तो आपको क्या मिलेगा, ये एक एपी सीरीज बनाएगा। अब देखो सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास है रूट टू, सेकंड टर्म है 18, तो जब पहला कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो रूट 8 को कैसा लिखा जा सकता है, 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। अब देखो दो रूट 2 में से एक रूट चले जाएगा तो कितना बचेगा रूट 2, ये d1 की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं हम लोग d2, यहां पे देखते हैं d2 के लिए क्या करोगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो थर्ड टर्म हमारे पास कितना है रूट 18, ठीक है रूट 18, और सेकेंड टर्म कितना है रूट 8। अब देखो रूट 18 को कैसा लिखा जा सकता है 9 इंटू 2, और इसको कैसा लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, तो 9 क्या बन के बाहर निकलेगा 3 रूट 2, और 4 क्या बन के बाहर निकलेगा 2 रूट 2,
तो देखो थ्री रूट टू में से टू रूट टू जाएगा तो कितना बचेगा रूट टू, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टू। तो सेकेंड वाला जो है एक एपी सीरीज होगा, क्यों होगा तो लिखना आंसर कि हियर डी वन इज इक्वल टू डी टू। अगला वाला देखते हैं, देखो वन का स्क्वायर कितना होता है वन, थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव, सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन। अब आप देख लो कि क्या फर्स्ट दो नंबर का डिफरेंस कितना है एट, इसका बीच के डिफरेंस का एट है क्या, है ही नहीं। तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे कि डी वन इज नॉट इक्वल टू डी टू, तो ये भी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही चेक करके बता सकते हो। जैसे इसमें देखो, इसमें अगर आप निकालोगे तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या है माइनस फोर, फर्स्ट टर्म कितना है जीरो, मतलब फर्स्ट डिफरेंस डी वन कितना आया माइनस फोर। अब निकालते हैं डी टू, डी टू के लिए क्या करोगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कौन सा है माइनस एट, उसमें से माइनस करोगे सेकेंड टर्म को, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस एट में से जब फोर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस फोर, तो ये वाला जो डी वाला है वो एक एपी सीरीज होगा। क्यों समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई में आपको मैं यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 16, 18 वन बाई टू है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 16 था, 18 वन बाई टू था, ठीक है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, 21 बाई टू एंड 23, ठीक है, 21 बाई टू एंड 23। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 18 टू जार कितना होता है 36, 36 प्लस 1 हो जाएगा 37, सो 37 अपॉन में 2, 22 जा हो जाएगा 40, 41 जा हो जाएगा 40 इंटू 1, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 अपॉन में 2 और 23। जब पहला डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म कौन सा है 37 माइनस 37 अपॉन में 2 और फर्स्ट टर्म कितना है 16। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, यहां आ जाएगा 37 और यहां हो जाएगा 32, तो यहां कितना बचेगा 5/2। उसके बाद दूसरा कॉमन डिफरेंस देखते हैं डी टू, तो क्या होगा हमारे पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो थर्ड टर्म हमारे पास कितना है 41/2 और उसके बाद अगला टर्म कितना है 37/2। तो जब आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, देखो एलसीएम तो 2 आ रहा है, ठीक है, 41 में से 37 को जब आप माइनस करोगे तो आएगा 4, 4/2 मतलब ये हो जाएगा 2। तो ये जो है यहाँ पर डी वन इज नॉट इक्वल टू डी टू, सो दैट्स वाई फिफ्थ वाला जो है वो हमारा क्या होगा एक एपी सीरीज नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमको क्या निकालना है 10वें नंबर का टर्म। तो पहले तो जो टर्म निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, तो a10 मतलब a को तो रखना ही है, अब 10 में से 1 कम करो कितना होगा 9, 9d। तो अगर आपको a10th निकालना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला तो पता होना चाहिए a और दूसरा पता होना चाहिए d। तो क्या आपके पास a पता है? बिल्कुल पता है, a की वैल्यू कितनी है 9, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो 5 में से जब 9 है तो 5 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 4, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस 4, सो 9 4 जा 36 हो जाएगा ये, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 27। सो 10वें नंबर का टर्म कौन सा है माइनस 27 है। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ए 40 चाहिए, तो पहले तो ए 40 का फॉर्मूला लिखो, तो ए तो आएगा ही और 40 में से एक कम करो कितना आएगा 39d। अब देखो ए पता है क्या, बिल्कुल पता है, ए के जगह 100 है प्लस 39, कॉमन डिफरेंस कितने का है, देखो ये 39 है ना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, सेकंड टर्म कौन सा है 70, फर्स्ट टर्म कौन सा है 100, तो 70 में से जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 30 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 30। सो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो 100 और ये कितना हो जाएगा 30 इंटू ये आपके पास कितना है 39, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 117 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसमें आप माइनस करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा माइनस 1070, सो माइनस 1070 विल बी द 40th टर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, देखो कि फाइंड द nth टर्म, अभी आपको कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। ठीक है, सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को याद होगा क्या था, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या था nth टर्म था। ठीक है, अब अगर nth टर्म आपको निकालना है तो उसके फॉर्मूले के लिए कुछ रिक्वायर्ड चीजें हैं, और वो रिक्वायर्ड चीजें कौन सी हैं, एक तो a पता होना चाहिए और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो है पता होना चाहिए।
तो देखते हैं आपके पास क्या कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन को देखकर। कैसे निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं, देखो फर्स्ट टर्म कितना है। अच्छा सबसे पहले तो ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए के जगह तो आ जाएगा आंख बंद कर 1/9। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 3 1 जा 3, 3 जा, तो ये हो जाएगा डिफरेंस है 1/3 का, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और 1/3। चल देखो 1/9, 1/3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3n, और जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा n। अब देखो ये सॉरी n नहीं आएगा, ठीक है। अब ये दोनों नंबर हैं तो 1/9 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ कर लेते हैं 1/9 माइनस 1/3, एलसीएम आएगा 9, यहाँ आएगा, यहाँ रहेगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2/9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2/9 प्लस 1/3n। ये हमारा क्या है आंसर है, कौन सा आंसर है, माइनस 2/9 प्लस 1/3n, ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द mnth टर्म। अब इसको सुन के बहुत लोग डर गए होंगे, तो mnth टर्म जैसे अभी nth टर्म निकालते थे, अभी mnth टर्म निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a plus m minus 1 into d। अब देखो a के जगह क्या है आपके पास 950, तो यहां रख दो 950 प्लस m माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है तो 900 में से 950 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 950 माइनस 50, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा माइनस 50m, और ये माइनस और ये माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 950 और प्लस ऐड होकर कितने हो जाएंगे 1000, तो 1000 माइनस 50m, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहीं पर आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप जो है अलग से कॉपी में भी सॉल्व और कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 218। एक एपी सीरीज है, इस एपी सीरीज का जो लास्ट नंबर का जो टर्म है कितना है 218 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखो सबसे पहले तो इसमें आपको पता है क्या क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ये जो 218 है वो 10वें नंबर का टर्म है कि 20वें नंबर का टर्म है कि 25वें नंबर का टर्म है, आपको पता है क्या, नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द एन, आप स्टेटमेंट लिख लेना, लेट द nth टर्म इज 218 और ए एन इज इक्वल टू 218। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी बोलता है ना कि लास्ट टर्म इतना है, कौन सा टर्म ये होगा, कौन सा टर्म दसवें, मतलब जैसे क्वेश्चन था ना ऊपर में कि इस एपी में कौन से नंबर का जो टर्म है वो 78 होगा, कौन से नंबर का टर्म 102 होगा, ठीक है, इसका लास्ट टर्म 218 है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले ना तो हमेशा उसमें मान लेना कि वो कौन सा टर्म होगा, nth टर्म होगा, ठीक है। मतलब जब भी कोई ऐसा सिचुएशन में फंसो जहां पर आपको कौन से नंबर का टर्म है नहीं पता, आप हमेशा वहां पर अज्यूम करना कि वो nth टर्म होगा करके, ठीक है। अब देखो हमने अज्यूम कर लिया nth टर्म 218 है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, n तो हमको निकालना है तो n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, तो सेकंड टर्म 15 है, फर्स्ट टर्म 18 है, तो 15 में से 8 माइनस कर दो कितना बचेगा 7 बचेगा इज इक्वल टू 218। अब ये जो प्लस 8 है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 218 में से जब 8 जाएगा माइनस हो जाएगा तो 210 बचेगा, ठीक है। फिर ये जो 7 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 210 अपॉन 7, तो 7 वन जा 7 30 जा, सो n माइनस 1 की वैल्यू 30 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 31। तो 31 नंबर का जो टर्म है वो कितना है 218 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो विच टर्म इज जीरो। अब देखो फिर से पूछा कि कौन से नंबर का टर्म जीरो है, वापिस से बोलेंगे कि nth टर्म क्या है जीरो है, अब पता ही नहीं तो उसको nth ही मानेंगे। अब इसका फॉर्मूला वापिस से लगाओ, सो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट टर्म कितना है 27, फिर प्लस n तो हमको चाहिए तो n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कैसा निकलेगा, तो सेकेंड टर्म है 24, फर्स्ट टर्म है कितना 27, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये जो प्लस 27 इधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस 27 होगा, सो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27। अब ये माइनस 3 जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये माइनस 3 माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 9 जा कैंसिल,
सो एन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन आया, तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, टेन आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर एट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। मतलब बोल रहा है कि दो एपी सीरीज हैं आपके पास, कुछ भी हो सकता है। देखो, पहला हो सकता है A1, A2, A3 और दूसरा एपी हो सकता है कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, इस फॉर्मेट में हो सकता है। उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ द 99th टर्म इज 99 और दोनों के जो 99th नंबर के टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब स्मॉल ए 99 माइनस कैपिटल ए 99 इज 99, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999th टर्म। अब इस क्वेश्चन को मैं बड़े प्यार से आपको हिंदी में समझाता हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के सर के ऊपर से चला गया होगा। ठीक है, देखो दो एपी हैं, मान लेते हैं दो एपी कौन से हैं, एक है A1 है, A2 है, A3 है, मतलब इस तरीके से हैं। ठीक है, दूसरा को ले लेते हैं, मान लो कैपिटल A1 है, कैपिटल A2 है, कैपिटल A3 है, इस तरीके से हैं। अब बोल रहा है कि इनके जो कॉमन डिफरेंस है, देखो क्वेश्चन में देखो टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम, कॉमन डिफरेंस दोनों में कितने का है, सेम है। तो मान लो इसका कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, और ये दोनों इसको कैपिटल डी मान लेते हैं, और स्मॉल डी मतलब पहले वाले का कॉमन डिफरेंस और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर 99th टर्म इज 99। अब आप इसको तो अज्यूम करो कि लेट, यहां पर आप लिख देना डेल्ट टू लेट टू एपी सीरीज आर A1, A2, A3 और कैपिटल एन, कैपिटल एन टू, एंड द डिफरेंस इन फर्स्ट एपी इज स्मॉल डी एंड सेकंड इज कैपिटल डी, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी। अब उसके बाद आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वाले के 99th नंबर का टर्म और दूसरे वाले के 99th नंबर का जो टर्म है वो कितना है, 99 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मतलब दिया है, और बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर 999th टर्म। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, ए 999 माइनस कैपिटल ए 999, इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। सो देखो, ये जो स्मॉल ए 99 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए कम करोगे तो 98d हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ए आपका फर्स्ट टर्म मान लो ए है, और 99 मतलब क्या हो जाएगा, 98 और कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 99। अब देखो स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम है, तो आप इसके नाम को चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 98d, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस ए, ये भी इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 98। अब इस जो कैपिटल डी है इसको स्मॉल डी कर लेते हैं, इज इक्वल टू 99, तो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब हमको दोनों नंबर के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना मिला, 99। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है। अब ये चीज हमको फाइंड करनी है, तो ए 999 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इसमें से एक कम करो तो 998d। ठीक है, फिर माइनस करते हैं तो कैपिटल ए प्लस 998 कैपिटल डी। ठीक है, अब देखो स्मॉल डी और कैपिटल डी इसके लिए भी तो सेम होगा, तो 998d, फिर ये माइनस ए, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 998, और ये कैपिटल डी को कर लेते हैं स्मॉल डी, ये और ये भी कैंसल, तो हमारे पास कितना बचा, ए माइनस ए, तो उनके 999th नंबर के टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 99 ही होगा, क्योंकि ए माइनस ए की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार रिकैप कर लेते हैं, हमने दो एपी सीरीज कंसिडर किया, स्मॉल ए वन प्लस स्मॉल ए टू प्लस स्मॉल ए थ्री, और इसका कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया डी। दूसरा एपी हमने अज्यूम किया कैपिटल ए वन प्लस कैपिटल ए टू प्लस कैपिटल ए थ्री, और इसका कॉमन डिफरेंस हमने लिया डी। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस वो सेम है, तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, दूसरे वाले का डिफरेंस कैपिटल डी, दोनों बोल रहा है। और क्वेश्चन ने बोला है कि पहले वाले का एपी सीरीज में जो 99th नंबर का टर्म है और दूसरे वाले एपी सीरीज में जो 99th नंबर का टर्म है उनके बीच का डिफरेंस है 99। अब ए 99 का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए तो लिखोगे ही, फर्स्ट टर्म तो लिखोगे ही, उसके बाद 99 में से एक कम कर दो कितना हो जाएगा, 98, उसको डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है तो स्मॉल डी लिख दिए।
एक कैपिटल 999 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, और 9 में 99 में से कम करोगे तो कितना बचेगा 98d। अब हमने क्या किया कि स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम थे, तो इस कैपिटल डी को आगे आते आते स्मॉल डी कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना मिल गया 99। फिर क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना था, ठीक है। तो ए 999 का फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म तो आ गई और इसमें से एक कम कर दो 998d, इसमें से भी एक कम कर दो तो a प्लस 998d, यह माइनस जब अंदर गया तो साइन चेंज हो गया, फिर कैपिटल डी को स्मॉल डी कर दिया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म और सेकंड एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, तो a माइनस ए कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर वैल्यू है 99। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और मेरे जो प्रॉमिस किया था उसको याद रखिए कि हमको सीजी बोर्ड में इस साल टॉप 10 में 3 लोग चाहिए, तो आप अपना पढ़ाई बिल्कुल डाउन मत करो, मैं आपके लिए वीडियोस रेगुलर लेकर आते हूं, ठीक है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका फ्यूचर क्या होगा, अच्छे से बनेगा, तो किसी दूसरे को दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड वीडियोस लाते रहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।